व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज की टीम द हिंद गुरु एकेडमी आई भी है। आज हम बातचीत करेंगे मदनी 100 के स्टूडेंट से और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी इन बच्चों की हो रही है। जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम है, उससे पहले मैं इस बैनर को लेकर आपके सामने आया हूँ, ड्रीम बिग टू गेट गवर्नमेंट MBBS सीट 1 करोड़। कहीं ना कहीं जो मेडिकल, खासकर जो बच्चे डोनेशंस खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया लगता है, तब वो मेडिकल का सपना पूरा कर पाते हैं। हमने कोशिश की इन तस्वीरों को आपको समझाने की कि 1 करोड़ रुपया अगर आप बनाना चाहते हैं तो मदनी 100 का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। कैसे होता है मदनी का एंट्रेंस एग्जाम, हम बच्चों से बातचीत करेंगे। किस तरह से हिंद गुरु मदनी को लेकर जो बच्चों के लिए प्रोग्राम लेकर आया है, वो किस तरह का प्रोग्राम है, उसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप मुझे मदनी 100 का प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से तैयारी होती है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, वो जरूर आप बताइए हमारे बच्चों को। मंदी 100 के लिए हमारे 3 राउंड्स हुए थे, जो फर्स्ट और सेकंड में टेस्ट हुआ था और जो थर्ड राउंड था वो इंटरव्यू था, तो उसके बेसिस पर हम लोग सिलेक्ट हुए थे मंदी 100 वाले। आप कहाँ से आती हैं, टेस्ट कैसे दिया, इन्फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको मंदी 100 के बारे में? मैं दिल्ली से हूँ और मैं रिलेटिव टोल्ड मी अबाउट दिस मंदी 100 प्रोग्राम। ओके, मेरे साथ दूसरी बच्ची होगी, कैसा लगता है मदनी 100 ज्वाइन करके, क्या उम्मीदें लगती हैं मदनी 100, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ आप बताइए इस प्रोजेक्ट से जब आप जुड़ी मदनी 100 से, आप कहाँ से आती हैं, किस तरह से इस प्रोजेक्ट से आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, वो सारी बातें, किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। मैं UP से हूँ और मुझे इस बारे में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पता चला था इस एग्ज़ाम के बारे में, फिर मैं यहाँ पर आई, फॉर्म फिल करा और फिर मैं सिलेक्ट हुई यहाँ पर। और अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ टेस्ट देने के बाद, तो किस तरह की हॉस्टल फैसिलिटीज है, मैं जानना चाहूँगा किस तरह की फैकल्टी यहाँ पर है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। आने वाले जो बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मदनी 100 के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहें तो कैसे करें वो अप्लाई? सबसे पहले तो यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के टीचर्स बहुत ऑनेस्ट हैं, दे आर सो मच सपोर्टिव, और यहाँ पे डाउट सेशन होते हैं ताकि हम अपने डाउट लेते हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है हमें, जिससे वहाँ पे हमारे पास टीचर्स प्रोवाइडेड रहते हैं हमारे पास। और अच्छा, मदनी 100 जैसे है एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं बातचीत कर रहा था हॉस्टल की, जैसे लड़कियों के लिए आपको ठीक ठाक लग रहा है, किस तरह का एटमोसफेयर यहाँ पर, जैसे आपने फैकल्टी की बात की, हॉस्टल की फैसिलिटीज किस तरह की है, टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरह से ये लोग कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। मैं हॉस्टलर भी हूँ तो यहाँ पर हमें वार्डन प्रोवाइडेड है, गार्ड प्रोवाइडेड है हमारी सेफ्टी के लिए, हम वार्डन हमें बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो होता है हमारे यहाँ पर, स्टडी हो चाहे किसी भी चीज़ का, सब यहाँ पे फूड का, सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हैं इस प्रोजेक्ट के हिस्सा बन के, आप कहाँ से आई हैं वो आप बातचीत करें, और आपको कैसे मदनी 100 के बारे में पता चला ये जरूर बताएं। मैं बिहार से हूँ, मदनी 100 के बारे में मेरी भैया ने बताया था, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जो लोग मदनी 100 में सेलेक्टेड होते हैं उनको कितने पैसे देने होते हैं या पैसे नहीं देने होते हैं, क्या है इसका? नहीं, नहीं देने होते हैं, 100% खाने पीने कुछ भी किसी भी चीज़ का नहीं है। नहीं। ये अच्छी खबर है कि मदनी 100 में जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं उनको किसी भी चीज़ का पैसा नहीं चार्ज किया जाता है, वो रहने का हो, वो खाने पीने का हो, या फिर पढ़ने का हो। ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है। और भी बच्चे हैं, हम बातचीत करेंगे, कोशिश भी करेंगे, कुछ लड़कों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। मैं चाहूँगा कुछ लड़के यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी बातचीत करें। आप कहाँ से आए हैं मदनी 100 के लिए ये बताइए? मैं बिहार से हूँ। बिहार किस जगह से? मुजफ्फरपुर से। कैसे पता चला मदनी 100 के बारे में? सोशल मीडिया, यूट्यूब पर मैंने देखा था इसका एडवर्टाइज हो रहा था, तो वहीं मैंने देखा था। कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, टीचर फैकल्टी यहाँ बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मदनी 100 का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। रिजल्ट की उम्मीद है कि रिजल्ट होगा? तो कहीं ना कहीं हम इनसे बच्चे से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे लोग बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पढ़ाई बहुत शानदार है, तो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट की भी हम उम्मीद भी करते हैं। और भी बच्चे भी हमारे साथ हैं, आप बताइए आप कहाँ से हैं?
मैं यूपी मेरठ से हूँ, नॉर्मल जी मैं नाम। अच्छा, कैसा है परफॉर्मेंस, किस तरह की पढ़ाई चल रही है, किस तरह का आपको लगता है रिजल्ट, कैसी उम्मीद रखते हैं? माशाल्लाह टीचर्स वगैरह तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं हमें हर तरीके से, चाहे डाउट हो या फिर हमें टाइम मैनेजमेंट ही पूछना हो कि कैसे करें तो सब बताते हैं। बिल्कुल, और भी बच्ची है उसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है मर्जी का प्रोजेक्ट ज्वाइन करके हिंद गुरु में? सेटिस्फैक्शन है? आपको कैसा लग रहा? यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब टीचर्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हमें 100% स्कॉलरशिप दी गई है, जो कि अच्छा। हमने कोशिश की कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको पॉजिटिव न्यूज़ और एनर्जेटिक न्यूज़ दे सकें। अगर आपके बच्चे मेडिकल का सपना लेकर मेडिकल के लिए राह देख रहे हैं तो मदनी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो हिंद गुरु द्वारा चलाया जा रहा है। हमने कोशिश की इस खबर को आप तक पहुंचाने की, क्योंकि आने वाले समय में एंट्रेंस एग्जाम होंगे और कहीं ना कहीं एक शानदार प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लेकर हमने उन सारे बच्चों से बातचीत की है। और इस बात पर, क्योंकि जब हम लोग न्यूज़ करते हैं तो इस बात पर ज़रूर फोकस करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनको उस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा सके जो उनको नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों का 1 करोड़ रुपया बचाना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन सुविधा है मेडिकल को लेकर, तो आप ज़रूर एक बार हिंद गुरु में आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।